आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। क्यों मनाया जाता है दशहरा पर्व, जानिए कथा, पूजन विधि, मुहूर्त आदि को विस्तार से जानिए। आखिर क्या अंतर है दशहरा और विजयदशमी में? आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। दशहरा, जिसे विजयादशमी व आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विन, जिसे क्वार माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा को दशहरा या दसवीं तिथि भी माना जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है, अन्य 2 है, चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी एवं भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता, जय श्री राम लिखना न भूली। वर्ष 2024 में कब है दशहरा? जानकार विद्वानों के अनुसार हिंदू पंचांग के अनुसार 12 अक्टूबर को दशमी तिथि का आरंभ सुबह 10:59 पर होगा और 13 अक्टूबर को सुबह 9:07 पर दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए दशहरा का पर्व 12 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। रावण दहन का शुभ मुहूर्त जानिए। जानकार विद्वानों के अनुसार दशहरा पर श्रवण नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। दशहरा में श्रवण नक्षत्र का विशेष महत्व है। दशहरा का पर्व श्रवण नक्षत्र में मनाने का विधान है। 12 अक्टूबर को सुबह 5:24 पर श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन 13 अक्टूबर को सुबह 4:27 तक रहेगा। रावण दहन के लिए श्रवण नक्षत्र का होना बहुत जरूरी है, इसलिए 12 अक्टूबर को रावण दहन के लिए शुभ मुहूर्त शाम में 5:52 से शाम में 7:26 तक रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रावण दहन प्रदोष काल में किया जाता है। शस्त्र पूजन का शुभ मुहूर्त जानिए। 12 अक्टूबर को दोपहर में 2:04 से 2:48 तक दशहरा पूजन के लिए शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस दौरान दशहरा पूजन और शस्त्र पूजन करना शुभ रहेगा। दशहरा पर क्यों किया जाता है शस्त्र पूजन, यह जानिए। विजयदशमी यानी दशहरा पर शस्त्र पूजन को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो युद्ध पर जाने से पहले उन्हें शस्त्रों का पूजन किया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि जब माँ दुर्गा से महिषासुर का वध किया था तो उनके शस्त्रों का पूजन सभी देवताओं ने मिलकर किया था। दशहरा पर शस्त्र पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहले राजा महाराजा भी युद्ध पर जाने से पहले अपने शस्त्रों की पूजा किया करते थे। दशहरा के दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य जैसे अक्षर लेखन का आरंभ, नया उद्योग आरंभ, बीज बोना आदि को आरंभ करते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में बहुत सारे देश के राजा भी इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह पर मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है। रावण मेघनाद कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है, शस्त्र पूजन की तिथि है, हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। अब जानिए दशहरा का महत्व। दशहरा का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है
और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। समस्त भारत वर्ष में यह पर्व विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सिलंगन के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। शाम के समय सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर नव वस्त्रों से सुसज्जित होकर गांव की सीमा पार कर शमी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण लूटकर अपने ग्राम में वापस आते हैं। फिर उस स्वर्ण का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। वैसे दशहरा का महत्व कई कारणों से है। इसमें बुराई पर अच्छाई की विजय, यह त्योहार भगवान राम की रावण पर विजय का उत्सव है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धर्म और न्याय का प्रतीक है। भगवान राम एक आदर्श राजा थे जिन्होंने धर्म और न्याय का पालन किए। दशहरा हमें इन मूल्यों को याद दिलाता है। समाज में एकता और सद्भाव। दशहरा के दौरान लोग एक साथ आते हैं और उत्सव मनाते हैं, जो समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देता है। मैसूर के मैसूर भवन की विजयादशमी के दिन दीप मालिका से सज्जा की जाती है। मैसूर के हाथियों का श्रृंगार कर पूरे नगर में एक भव्य झांकी निकाला जाता है, आदि इसमें शामिल है। जानिए क्या है विजयदशमी की कथा। विजयदशमी के संबंध में जानकार विद्वानों का मत है कि पौराणिक कथा के मुताबिक जब महिषासुर नाम के एक राक्षस ने धरती से लेकर स्वर्गलोक तक अपने अत्याचार से हर तरफ हाहाकार मचा रखा था, तब देवी दुर्गा ने महिषासुर और उसकी सेना के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और दशमी तिथि के दिन उसका वध कर दिया था। माँ दुर्गा की इस विजय को विजयदशमी का नाम दिया गया और इसी दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। अब जानिए क्या है दशहरे की कथा। वही दशहरे की पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। राम जी ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करने के बाद दशमी तिथि के दिन रावण का वध किया था और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन तक रामलीला का आयोजन भी किया जाता है और 10वें दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले को जलाया जाता है। इसे दशहरे के नाम से जाना जाता है। अब जानिए देश के अनेक स्थानों के प्रसिद्ध दशहरा के बारे में। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। अन्य स्थानों की ही तरह यहाँ भी 10 दिन अथवा एक सप्ताह पूर्व इस पर्व की तैयारी आरंभ हो जाती है। स्त्रियाँ और पुरुष सभी सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर तुरही, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी आदि आदि जिसके पास जो वाद्य होता है उसे लेकर बाहर निकलते हैं। पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता की धूमधाम से झांकी निकालकर पूजन करते हैं। देवताओं की मूर्तियों को बहुत ही आकर्षक पालकी में सुंदर ढंग से सजाया जाता है। साथ ही वे अपने मुख्य देवता रघुनाथ जी की भी पूजा करते हैं। इस जुलूस में प्रशिक्षित नर्तक नटी नृत्य करते हैं। इस प्रकार जुलूस बनाकर नगर के मुख्य भागों से होते हुए नगर परिक्रमा करते हैं और कुल्लू नगर में देवता रघुनाथ जी की वंदना से दशहरे के उत्सव का आरंभ करते हैं। दशमी के दिन इस उत्सव की शोभा निराली होती है। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रखकर मनाते हैं। इस दौरान यहाँ आगंतुकों का स्वागत पारंपरिक मिठाई और उपहारों से किया जाता है। यहाँ भी रावण दहन के आयोजन होते हैं व मैदानों में मेले लगते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को राम की रावण पर विजय न मानकर लोग इसे माँ दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित एक पर्व मानते हैं। दंतेश्वरी माता बस्तर अंचल के निवासियों की आराध्य देवी है, जो दुर्गा का ही रूप है। यहाँ यह पर्व पूरे 75 दिन चलता है। यहाँ दशहरा श्रावण मास की अमावस से आश्विन मास की शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है। प्रथम दिन जिसे काछिन गादी कहते हैं, देवी से समारोह आरंभ की अनुमति ली जाती है। देवी एक कांटों की सेज पर विराजमान होती है, जिसे काछिन गादी कहते हैं। यह कन्या एक अनुसूचित जाति की है, जिसे बस्तर के राज परिवार के व्यक्ति अनुमति लेते हैं। यह समारोह लगभग 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। इसके बाद जोगी बिठाई होती है। इसके बाद भीतर रैनी, विजयदशमी और बाहर रैनी, रथ यात्रा और अंत में मुरिया दरबार होता है। इसका समापन अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को ओहाड़ी पर्व से होता है। बंगाल, ओडिशा और असम में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में ही मनाया जाता है। यह बंगालियों, ओडिया और आसाम के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है।
पूरे बंगाल में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। ओडिशा और असम में 4 दिन तक त्योहार चलता है। यहाँ देवी दुर्गा को भव्य सुशोभित पंडालों विराजमान करते हैं। देश के नामी कलाकारों को बुलवा कर दुर्गा की मूर्ति तैयार करवाई जाती है। इसके साथ अन्य देवी देवताओं की भी कई मूर्तियां बनाई जाती है। त्योहार के दौरान शहर में छोटे मोटे स्टॉल भी मिठाइयों से भरे रहते हैं। यहाँ षष्ठी के दिन दुर्गा देवी का बोधन, आमंत्रण एवं प्राण प्रतिष्ठा आदि का आयोजन किया जाता है। उसके उपरांत सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी के दिन प्रातः और सायंकाल दुर्गा की पूजा में व्यतीत होते हैं। अष्टमी के दिन महापूजा और बलि भी दी जाती है। दशमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। प्रसाद चढ़ाया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। इस अवसर पर पुरुष आपस में गले मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, जिसे कोलाकुली कहते हैं। स्त्रियां देवी के माथे पर सिंदूर चढ़ाती है व देवी को अश्रुपूरित विदाई देती है। इसके साथ ही वे आपस में भी सिंदूर लगाती है व सिंदूर से खेलते हैं। इस दिन यहाँ नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तदनंतर देवी प्रतिमाओं को बड़े बड़े ट्रकों में भरकर विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। विसर्जन की यह यात्रा भी बड़ी शोभनीय और दर्शनीय होती है। उत्तर प्रदेश के सराहनपुर में शाकंभरी देवी शक्तिपीठ पर भक्तों की इस दिन खूब चहल पहल होती है। पूरी शिवालिक घाटी शाकंभरी देवी के जयकारों से गूंज उठती है। यहाँ पर नवरात्रि में भारी मेला लगता है। आश्विन का मेला यहाँ बहुत बड़ा होता है और कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है, जिसमें 3 देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। पहले 3 दिन लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी का पूजन होता है। अगले 3 दिन सरस्वती कला और विद्या की देवी की अर्चना की जाती है और अंतिम दिन देवी दुर्गा शक्ति की देवी की स्तुति की जाती है। पूजन स्थल को अच्छी तरह फूलों और दीपकों से सजाया जाता है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां व कपड़े देते हैं। यहाँ दशहरा बच्चों के लिए शिक्षा या कला संबंधी नया कार्य सीखने के लिए शुभ समय होता है। कर्नाटक में मैसूर का दशहरा भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैसूर में दशहरे के समय पूरे शहर की गलियों को रोशनी से सज्जित किया जाता है और हाथियों का श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। इस समय प्रसिद्ध मैसूर महल को दीप मालिकाओं से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके साथ शहर में लोग टार्च की लाइट के संग नृत्य और संगीत की शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं। इन द्रविड़ प्रदेशों में रावण दहन का आयोजन नहीं किया जाता है। गुजरात में मिट्टी सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है और इसको कुंवारी लड़कियां सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती है, जिसे गरबा कहा जाता है। गरबा नृत्य इस पर्व की शान है। पुरुष एवं स्त्रियां 2 छोटे रंगीन डंडों को संगीत की लय पर आपस में बजाते हुए घूम घूम कर नृत्य करते हैं। इस अवसर पर भक्ति, फिल्म तथा पारंपरिक लोक संगीत सभी का समायोजन होता है। पूजा और आरती के बाद दांडिया रास का आयोजन पूरी रात होता रहता है। नवरात्रि में सोने और गहनों की खरीद को शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र में नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। इस दिन विद्यालय जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में आशीर्वाद पाने के लिए माँ सरस्वती के तांत्रिक चिन्हों की पूजा करते हैं। किसी भी चीज को प्रारंभ करने के लिए, खासकर विद्या आरंभ करने के लिए, यह दिन काफी शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र के लोग इस दिन विवाह, गृह प्रवेश एवं नए घर खरीदने का शुभ मुहूर्त समझते हैं। देश के उत्तर में अपने अंदर पर्वतीय श्रृंखलाओं को समेटने वाला कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदू नवरात्रि के पर्व को श्रद्धा से मनाते हैं। परिवार के सारे वयस्क सदस्य 9 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर उपवास करते हैं। अत्यंत पुरानी परंपरा के अनुसार 9 दिनों तक लोग माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह मंदिर एक झील के बीचों बीच बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने अपने भक्तों से कहा हुआ है कि यदि कोई अनहोनी होने वाली होगी तो सरोवर का पानी काला हो जाएगा। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक 1 दिन पहले और भारत पाक युद्ध के पहले यहाँ का पानी सचमुच काला हो गया था। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं
और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।